एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं फैक्ट डोज। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सामने और हमारे साथ घट रही होती है लेकिन हमें उसका अंदाजा नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो हमारे और आपकी जिंदगी के साथ जुड़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम देखते तो जरूर है लेकिन उसके पीछे का फैक्ट नहीं जानते। तो बस ऐसे ही फैक्ट्स लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं फैक्ट डोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स का सिलसिला। नंबर वन, कई देशों के नाम में क्यों है स्थान? धरती पर कई देश है, सबके अलग अलग नाम है पर नामों में कई तरीके की समानता है। कई देशों के नाम मिलते जुलते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम के अंत में स्थान शब्द जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके नाम ऐसे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है और देश के नामों के आगे इन्हें क्यों लगाया जाता है? चलिए आपको बताते हैं। एक वेबसाइट ब्रिटानिका के अनुसार स्थान और स्थान शब्द का अर्थ होता है किसी खास चीज से जुड़ी हुई जगह या जिस जगह पर लोग हों। ये एक ऐसा पर्शियन शब्द है। इस हिसाब से तजाकिस्तान का अर्थ है तजाकिस्त की जमीन, जहां अफगानिस्तान का अर्थ है अफगानियों की जमीन। नंबर टू, हमारे हाथ पांव में क्यों होती हैं पांच पांच उंगलियां? हम सभी के शरीर में संरचना एक जैसी होती है भले ही उनकी शक्ल सूरत अलग हो। मसलन दो हाथ दो पैर एक कान दो आंख और दो कान या फिर हर हाथ और पांव में पांच पांच उंगलियां। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पांच उंगलियां ही क्यों? इसके पीछे वैज्ञानिक वजह काम करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कमाल हमारे शरीर में मौजूद हॉक्स जीन का है। ये जीन प्रोटीन को एनकोड करता है और दूसरे जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने और उन्हें स्टार्ट या क्लोज करने में मदद करते हैं। इंसान और जीव जंतुओं के पूर्वज एक जैसे हैं और उनका विकास एक ही समय और जरूरत के हिसाब से हुआ। मैमल सुपर क्लॉक स्ट्रेपापोड से संबंधित है जिसमें रेंगने वाले जीवों से लेकर पक्षी तक शामिल है। ऐसे में इन सब में पांच उंगलियां ही थी। नंबर थ्री, कीबोर्ड पर सीधा क्यों नहीं लिखते ABCD? आप देखते होंगे कि जब भी आप टाइपिंग के लिए किसी भी डिवाइस या कीबोर्ड को खोलते हैं तो वहां कभी भी अल्फाबेट्स सही ऑर्डर में नहीं होते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल कीबोर्ड पर इस्तेमाल होने वाले क्यूरी प्रारूप का उपयोग कर दशकों से कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रारूप का जन्म कंप्यूटर के समय से बहुत पहले हुआ था, यानी टाइपराइटर के युग में आया था। टाइपराइटर का आविष्कार करने वाले क्रिस्टोफर ने ABCD प्रारूप में पहला कीबोर्ड बनाया था जिसमें ABCD लगातार लिखी जाती थी। जब टाइपराइटर का व्यापक उपयोग और तेजी से होने लगा तो एक समस्या आई। दरअसल एक ही अक्षर को बार बार टाइप करने की वजह से टाइपराइटर की सुइयां खराब हो रही थी जिसकी वजह से आसपास के अक्षरों को दूर किया गया। नंबर फोर, आखिर चीनी क्यों कहलाई चीनी? हर किसी की रसोई में कुछ और हो ना हो चीनी जरूर पाई जाती है। इसकी मिठास हमारी जुबान पर यूं घुली हुई है किसे हम अब खुद से अलग नहीं कर सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गन्ने से बनने वाली चीनी को आखिर चीनी ही क्यों कहा जाता है? दरअसल भारत में इस्तेमाल होती थी शक्कर जो चीनी से अलग है। गन्ने के रस को गर्म करके इसे सुखाकर शक्कर बनाई जाती थी। उजली पारदर्शी और दानेदार चीनी का चीन से गहरा वास्ता है। 13वीं सदी में इतालवी व्यापारी खोजकर्ता और राजदूत मार्को पोलो के संस्मरणों में बताया गया कि चीन के बादशाह ने मिस्र से कारीगर बुलाए थे जिन्होंने चीन के लोगों को दानेदार शक्कर बनाना सिखाया। इस तकनीक को चीन से मुगल काल में भारत लाया गया, इसीलिए इस प्रक्रिया से बनी शक्कर को चीनी कहा गया। नंबर फाइव, तोते इंसानों की आवाज की नकल कैसे कर लेते हैं? दरअसल तोतों के पास सिलिक्स नाम का एक अंग होता है और ये उनकी श्वास नली में स्थित होता है जिसके जरिए मनुष्य जैसी आवाज निकाल सकते हैं। मनुष्य जो कहता है उसकी नकल तोते बखूबी उतार लेते हैं। सिलिक्स को मांसपेशियों और गर्म हड्डी के छल्ले द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसा करके तोते ध्वनियों की नकल उतार सकते हैं, यहाँ तक कि गाने भी गा सकते हैं। फैक्ट्स डोज में आज के लिए केवल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।